नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं हूँ एक राजस्थान के गांव में, जो है जिला पाली में, और जोधपुर रोड पर ये गांव है। इस गांव का नाम है चोटीला, और यहाँ जो पीछे आप घर देख पा रहे हैं, ये घर है ओम बन्ना जी का। ओम बन्ना जी का मंदिर मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, अभी मैं आपको उनका गाँव और घर दिखा रहा हूँ। आसपास का एरिया कुछ इस तरीके से है जो आप देख पा रहे हैं। ये राजपूत समाज का एक गाँव है, और यहीं पे ओम बन्ना जी का घर भी है पीछे। हालांकि वे आज की तारीख में यहाँ पे नहीं रहते हैं, उनकी कुछ निशानियाँ यहाँ पे आज भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और यहीं से ओम बन्ना जी अपने परिवार के साथ पहले यहीं पे रहा करते थे। ये उनका पुश्तैनी घर है। एक बार अंदर से देख लेते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या निशानियाँ ओम बन्ना जी की आज की तारीख में है। हालांकि उनके लड़के आज भी यहाँ पे, उनकी रियासत है तो वे यहीं पे रहते हैं। और अभी मैं आपको दिखाता हूँ ओम बन्ना जी का जो अंदर से घर है वो कैसा है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओम बन्ना जी की एक बाइक है जो कि बुलेट बाइक है, जो कि हाईवे पर खड़ी हुई है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको ओम बन्ना जी की बाइक दिखाई थी, जिसकी स्टोरी है कि वो अपने आप स्टार्ट हो जाती थी और पुलिस वाले उसे रस्सियों में जकड़ के, जंजीरों में जकड़ के रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्टार्ट होकर चली जाती थी। उन्हीं ओम बन्ना जी के गाँव में आया हूँ, और ये है पीछे वो गाँव, और ये उनका घर है। आइए चलते हैं घर के अंदर। ये है ओम बन्ना जी का घर पुराना, और यहीं पे ना पहाड़ भी है। ये देखिए ऊपर, ये काफी बड़े बड़े आपको यहाँ पे पहाड़ देखने को मिलेंगे, और ये काफी मोटे हैवी पहाड़ दिखे मुझे यहाँ पे। और यहीं पे एक छोटा सा ये घर है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग लोकेशन हो, और ये घर भी ऐसा ही लग रहा है जैसा कि किसी फिल्म में दिखाया गया हो, पुरानी फिल्म में। और ये है उनका गांव, आसपास का एरिया कुछ इस तरीके से है। ये देखिए यहाँ पे ये गांव है ओम बन्ना जी का, सामने आपको गलियां वगैरह दिख रही हैं। बिल्कुल सोचो मतलब एक मीडियम गाँव है, ज्यादा छोटा भी नहीं है, काफी बड़ा गाँव है। और यहीं पे ओम बन्ना जी का ये एक घर है यहाँ पे देखिए, और वो पुराने समय में कैसे रहा करते थे वो आपको दिखाता हूँ। आइए, ये है उनका मेन गेट घर का, और यहाँ पे कुछ निशानी भी लगी हुई है। देखिए यहाँ पे ये कुछ उनकी निशानियां भी लगी हुई हैं। और ये है उनका घर, यहाँ पे पहले उनकी एक बैठक हुआ करती थी। ये वो जगह है दोस्तों, ये वाली। और ये है उनका आंगन, यहाँ पे देखिए पुराने समय की एक सीढ़ियां भी हैं, ये वाली। देखिए यहाँ पे सीढ़ियां भी हैं, और यहाँ पे ना उनका कुछ अनाज जो यहाँ पे पैदावार होती है, देखिए उनकी कुछ पैदावार भी यहाँ पे अनाज वगैरह की है। और यही घर है ओम बन्ना जी का, सामने वहाँ पे एक लोकेशन ये है, और एक लोकेशन ये भी है, यहाँ पे इनका आंगन है। और ये देखिए यहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, जिसका नंबर है RJT 979, काफी पुराना ट्रैक्टर है ये देखिए ओम बन्ना जी का। और इसी ट्रैक्टर पर उनके पुरखे, उनके पिताजी और वो खुद खेती किया करते थे। आज की तारीख में ये शायद ट्रैक्टर यूज में नहीं है, क्योंकि वे यहाँ नहीं रहते हैं, तो शायद उन्होंने कोई नया ट्रैक्टर वगैरह ले लिया होगा। मुझे आपको पुराना ही ट्रैक्टर दिखाना था, तो मैं आपको पुराना ट्रैक्टर दिखा रहा हूँ, ये देखिए। और इस ट्रैक्टर का नाम क्या है भाई, ये देखिए, अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो देखिएगा। और यहाँ पे ये भी कुछ लिखा हुआ है, एयर मेंटेनेंस करके। और पुराने समय में इस तरह के पार्ट्स हुआ करते थे ट्रैक्टर के अंदर। ये गियर है इसका, ये देखिए पुराना ट्रैक्टर है यहाँ पे ओम बन्ना जी का। हैंडल भी मतलब ज्यादा ट्रैक्टर में मैंने हैंडल यहाँ पे देखा है, बीच में इसका थोड़ा साइड में है, ये देखिए कुछ साइड में है ये। और यही है ओम बन्ना जी का जो ट्रैक्टर है, सामने से कुछ इस तरीके का है, MT3 कुछ लिखा हुआ है इस पे। मैंने आज पहली बार देखे इतना पुराना ट्रैक्टर। और देखे कितनी मोटी रोड लगी हुई है इसमें, यहाँ से वहां तक की काफी मोटी रोड है, ये देखिए, ये देखिए। वो ट्रैक्टर का मुझे हैंडल बड़ा अजीब लगा इसमें, क्योंकि इसका जो हैंडल है ना, ये देखिए ये वाला, मतलब ये साइड से है, ये यहाँ पे साइड से है, मतलब कि यहाँ पे होना चाहिए था बीच में, लेकिन पता नहीं किस कंपनी ने किस विचार से इस ट्रैक्टर को बनाया है। और दूरे भी देखिए यहाँ पे, ये इस तरीके के हैं। यही है ओम बन्ना जी का जो ट्रैक्टर है वो यही है पुराना, काफी पुराना ट्रैक्टर है। और ये है उनका घर, उनकी गाड़ियां वगैरह वहाँ पे भी खड़ी हुई हैं। देखिए ये एक बैठक है शायद उनकी कोई पुरानी। और ये है दोस्तों उनका घर, सामने वहाँ पे पहाड़ वगैरह भी है पीछे घर के, कितना बढ़िया घर है यहाँ से। और ये देखिए दोस्तों, ये है वो ट्रैक्टर जो मैं आपको दिखाने के लिए इस वीडियो में आया हूँ, आपको लेकर के आया हूँ। यही है वो दोस्तों ट्रैक्टर पुराने समय का, कुछ अजीब सा लग रहा है, शायद ये बैटरी बॉक्स होगा इसमें, यहाँ पे ये बैटरी बॉक्स है उस वक्त का, ये देखिए काफी पुराना ट्रैक्टर है दोस्तों। और यह है ओम बन्ना जी का ट्रैक्टर पुराना। आप इतना ग्रामीण मिले हैं, आप इसी गांव से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? रवि कुमार डैम रवि कुमार है आपका नाम। अच्छा, हाँ, ये ट्रैक्टर खड़ा है जो पुराना सा, ये ट्रैक्टर ओम बन्ना जी का है? ओम बन्ना जी को पहले समय में चलाते थे इसको वे? नहीं, मतलब कि कृषि के लिए काम करते थे। अच्छा, कृषि के लिए काम करते थे। अच्छा, यहाँ पे जो उनका परिवार है, फिलहाल आज की तारीख में यहाँ पे परिवार नहीं रहता सब है? रहते हैं।
यहीं पे रहते हैं? अब यहाँ दिखे नहीं हमें कोई भी, अंदर है हमारा, पर्दा पड़ता है ना। अच्छा, पर्दा वगैरह रहता है। राजपूत समाज से है? क्षत्रिय वंश से। ठीक है, तो ट्रैक्टर काफी पुराना लग रहा है। अच्छा, इनके पिताजी का क्या नाम है? ओम बन्ना जी के पिताजी। अच्छा अच्छा, तो सबसे बड़े जमींदार गांव में यही है? हमारे आजू बाजू जितने भी कृषि किसान हैं, हाँ जी, बड़े जमींदार यही है। सबसे कितने बीघा जमीन होगी इनके पास? लगभग होगी, जमीन तो होगी ना, काफी है। बढ़िया। अच्छा, तो आपने देखा है उनको? यहीं पे रहते हैं? यहीं पे रहते हैं, जोधपुर में रहते हैं? अच्छा, मैं पूछ रहा हूँ, यहीं पे रहते हैं जोधपुर में रहते हैं? नहीं, इधर ही रहते थे, प्रॉपर यहीं। अच्छा, अभी भी रहते हैं यहीं पे? आप पड़ोसी हैं इनके? नहीं, हम पड़ोसी नहीं, हम यहाँ काम करते हैं। अच्छा, आप काम करते हैं, ठीक है। आप भी यहाँ पे काम करते हैं? आप पड़ोसी? ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे ये घर है, देखे सामने, यही घर है यहाँ पे। और ये देखे, यहाँ पर ये घर है उनका, काफी पुराना घर है। ये देखे, यहाँ पे एक पुराने समय की तिजोरी भी रखी हुई है। ये देखे कितनी अच्छी तिजोरी है, काफी मजबूती के साथ दिख रही है। ये पुराने समय का गेट भी है यहाँ पे। ये देखिए, पुराने समय की खिड़की भी दिख रही है, और एक फोन भी रखा है पुराने समय का यहाँ पे। ये देखिए, और ये सामने मुझे, ये पहले शादी ब्याह में हुआ करता था, इसमें पहले अफीम को डाल के पिलाया जाता था, इससे थकान दूर होती थी। और ये स्वर्गीय ठाकुर जोग सिंह जी हैं, और ये ठाकुर जोग सिंह जी की फोटो है, जो कि चोटीला गाँव के ही है, और ये ओम बन्ना जी के पिताजी हैं। दोस्तों, यही है वो ट्रैक्टर जो मैंने आपको दिखाया है, और उसके बारे में आपको बताया, जानकारी दी है। और यहीं पे इनका घर है ये, तो ये है ओम बन्ना जी का घर, जो कि चोटीला गांव में है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये ओम बन्ना जी के घर की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल ट्रिप विद आदेश को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।